प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया तथा प्रधानमंत्री द्वारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वहां के जनप्रतिनिधियों व उच्च अधिकारियों के साथ आरक्षित लॉन्च में बैठक किया। इसके बाद एयरलाइंस कंपनियों व प्रबुद्ध लोगों के संबोधन स्थल का निरीक्षण कर सड़क के रास्ते भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर व बर्मा फार्म में जनसभा स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, सांसद विजय कुमार दुबे, सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और 12 अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात कुशीनगर वासियों को दिया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का ऐतिहासिक गौरव और समृद्ध होगा तो यहां बनने जा रहा मेडिकल कॉलेज 40 लाख लोगों के जीवन में संजीवनी सरीखा उपहार होगा। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा, सड़क व गैनलियों से जुड़ी परियोजनाएं जिले की खुशहाली बढ़ाएंगी। बता दें कि यह एयरपोर्ट 589 एकड़ में 260 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके एप्रन पर 4 बड़े हवाई जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े रनवे 3200 मीटर वाले इस एयरपोर्ट के क्रियाशील होने के साथ ही पर्यटन विकास, निवेश, रोजगार का बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। साथ ही देश के सांस्कृतिक संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विस्तार होगा। इस एयरपोर्ट पर पहले इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में श्रीलंकाई सरकार के विमान की लैंडिंग व टेक ऑफ होगा। इसमें वहां की सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बौद्ध भिक्षु भी शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान महापरिनिर्वाण मंदिर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही कुशीनगर में व रामकोला रोड नारायणपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में 281.45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में 460 की क्षमता का छात्रावास तथा 500 बेड का सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल भी होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 180.66 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में गंडक नदी पर बाढ़ सुरक्षा के 8 प्रोजेक्ट, स्वदेश दर्शन स्कीम में बौद्ध सर्किट योजना अंतर्गत पर्यटन विकास, राजकीय महाविद्यालय सुकरौली का निर्माण, नवीन संकेत मुखबधिर राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण, कसिया रामकोला व रामपुर खुर्द कुटवा घुगली मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर्यटन के दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि निश्चित ही देश और प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, फोटोग्राफी मतलब मित्रों, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश को एक तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
उपलब्ध होगा। यह हमारे लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर बिहार के विकास में इस नए एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पावन स्थल उत्तर प्रदेश में है। उसके पीछे जितनी पोटेंशियल थी, आज़ादी के बाद भी उसका जो बेहतर उपयोग होना चाहिए था नहीं हो पाया है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, इन्होंने आने के साथ ही बौद्ध सर्किट के आधार पर पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। और कल यह अवसर आएगा जब श्रीलंकन डेलीगेशन भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ वहाँ के एक बहुत हाईली जो डेलीगेशन जो है उनका यहाँ पर आएगा और कुशीनगर में आकर के भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन भी करने के साथ ही यहाँ पर उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उनके स्वागत का एक अवसर उत्तर प्रदेश सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से अतिथि देवो भव की इस भावना के अनुरूप प्रदेश शासन भी, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी और कुशीनगर के सभी नागरिक भी इस अवसर पर प्रफुल्लित हैं। यहाँ के एयरपोर्ट की जो व्यापक संभावनाएं हैं, न केवल श्रीलंका अपितु जापान, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के उन तमाम देशों के साथ सीधे सुविधा जोड़ने के साथ ही नेपाल, मित्र राष्ट्र नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा को जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये एक अवसर है हम सबके सामने। जब प्रधानमंत्री जी ने आज से चार वर्ष पहले जो बात कही थी कि उड़ान योजना ये विकास की उड़ान है, विकास के लिए एक नई उड़ान है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा, उत्तर प्रदेश में इसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के अंदर सर्वाधिक एयरपोर्ट को संचालित करने वाला, सर्वाधिक एयरपोर्ट पर कार्य करने वाला राज्य है। हमारे वर्तमान में 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ का और दूसरा वाराणसी का। अब इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कल से प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही 9वां एयरपोर्ट फंक्शनल होता हुआ दिखाई देगा और यहां से उड़ान की यात्रा विकास के साथ जुड़ेगी, रोजगार के साथ जुड़ेगी, यहाँ के लोगों के आवागमन के साथ जुड़ेगी। तो एक व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का, भगवान बुद्ध के विराट जो उनका व्यक्तित्व था उस विराटता के साथ यहाँ के सभी नागरिकों को जोड़ने का भी एक अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आने वाले अतिथियों के स्वागत का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हमारी तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है और कल हम लोग सभी उत्सुक हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगणों के और जो यहाँ पर अतिथिगण श्रीलंका से आएंगे उन सभी का स्वागत करने के लिए प्रदेश भी और कुशीनगर भी पूरी उत्सुकता के साथ तैयार है। हम लोग यहाँ पर उनका स्वागत भी करेंगे और यहाँ की विकास की उन संभावनाओं को इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से विकास की उन संभावनाओं को एक नई उड़ान देने का कार्य भी करेंगे। सर, कोई मेडिकल कॉलेज और? हाँ, बाकी विकास की योजनाओं के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर अन्य तमाम विकास की परियोजनाओं को, जिसमें बाईपास की योजनाएं हैं, कुछ सड़क मार्ग भी हैं और कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज हो,
इसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां पर रखा जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 7 वर्षों में देश ने स्वास्थ्य सेवा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। मुझे याद है कि 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 17 से लेकर के अब तक यानी पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कर कमलों से 25 अक्टूबर को हम प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू कर रहे हैं, जिसमें MBBS की पाठ्यक्रम उसमें इस नए सत्र में प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के 7 दशक में जितना काम नहीं हो पाया है, पिछले 7 वर्षों में उससे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर आज क्रिएट हो रहा है। गोरखपुर का एम्स अगले 1 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा, इसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तावित है। रायबरेली का एम्स भी बनकर के लगभग तैयार है, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसके लोकार्पण की भी तैयारी हो रही है। और भी अन्य अनेक संभावनाएं हैं जिनको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का कल आगमन कुशीनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, पश्चिमोत्तर बिहार के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसका लाभ न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिहार को बल्कि नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को इसका लाभ प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने में भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से बड़ी मदद मिलेगी। श्रीलंका के डेलीगेशन में राष्ट्रपति बड़ा डेलीगेशन आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण डेलीगेशन है। धन्यवाद।